तो फाइनली अभी हम पुलिस स्टेशन से वापस आ चुके हैं पारस भाई के पास। तो आज ये हॉस्पिटल पे थे तो इनको थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिली है, तो दोबारा इनको इनकी जो सर्जरी वगैरह होने वाली है नाक की, उसके लिए दोबारा फिर से हॉस्पिटल इनको शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल चेंज हुआ है। तो भाई ने भी वहां पे जाना है, तो अभी इनके साथ इनकी मदर के साथ मैं गया था इनके जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे जो भी केस था। तो भाई ने बोला था कि पुलिस वालों ने थोड़ी सी डील दिखा रहे थे केस में, तो वो सारी बातचीत मैंने की है पुलिस वालों से और उनसे FIR की कॉपी वगैरह भी ली है, डायरी वगैरह, डायरी नंबर वगैरह सारा कुछ जो भी है उनसे मैंने बातचीत की है। और उन्होंने मुझे यही बोला कि हम जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उन्होंने मुझे बहुत सारे पॉइंट बताए हैं और मेरे हिसाब से एक या दो दिन के अंदर अंदर बंदे अरेस्ट भी हो जाएंगे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है। और मेरी तरफ से भी कोशिश रही यही रहेगी कि जब तक वो बंदे अरेस्ट नहीं होते मैं भी पुलिस वालों से पूछता रहूंगा बार बार कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को सॉल्व करें। तो पारस भाई आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे ऑडियंस को? तो जैसा कि आपको पता है हादसा हुआ था तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स सपोर्ट में आए, वैसे ही खालसा सर भी आए एंड इन्होंने मुझे एक कॉल किया एंड मेरा मीनिंग से जैसे भी बात हुई, उसके बाद इन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह लिया एंड मेरे से मिलने आए एंड इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ये मेरे साथ एंड तक खड़ेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, इस केस में जो भी हो जहाँ तक भी जाना पड़े पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे इंसाफ मिले। एंड सर आए, सर ने मम्मी को समझाया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है एंड सर गए हमारे जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके पुलिस वालों से बातचीत की एंड जो भी अपडेट मिलने लायक था वो अपडेट लिया सर ने एंड उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से भी काफ़ी सारी बातें उन्हें बोली जो कि केस को और मजबूत बनाए एंड पुलिस वालों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी एंड पुलिस वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने भी यही दिलासा दिलाया कि बहुत जल्दी हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। बाकी मैं तो पुलिस स्टेशन जा नहीं पाए इस हालत में था, नहीं मम्मी गए थे, मम्मी से आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं गई पुलिस चौकी, सर गए थे हमारे साथ, अंकल जी भी गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद सारी बात हुई हमसे पुलिस वालों से। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि हमारा केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, सर जाके सारा बात किए हैं, इनको रजिस्टर केस रजिस्टर करवाए हैं, इनको सारा चीज़ पता लगा सारा चीज़, ये वहाँ से जो भी कागज़ वो हमको चाहिए था वो कागज़ सर लेके आए हैं। लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं थी क्या एफआईआर दर्ज होता है, क्या कच्चा पक्का कागज बनता है। सर आए, सर सारा काम हमारा करवा दिए और हमें उम्मीद पूरा दिए हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप घबराओ मत, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम आपके साथ चलेंगे, जिस टाइम भी आप फोन करोगे उस टाइम हम आएंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ा हम जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर के आने से हमारे बहुत ज़रा हौसला भर गया है, हमें भी अब लग रहा है कि हमारे साथ भी कोई है, यही चाहते हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। तो ठीक है भाई, फिर अभी आप सभी ये कहने पे पारस भाई के पास मैं हूँ अभी, और जब तक मैं इनके पास बैठा हूँ मुझे कोई भी बंदा नहीं ऐसा दिखा कि जो दोबारा आके इनके ऊपर कुछ कर सके, क्योंकि आप सभी बोल रहे थे कि भाई जब आप वहाँ पे जाके बैठ जाओगे तो बड़े बड़ों की, अभी मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इनके मदर भी पास बैठे हुए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जिस भी बंदों ने इनके ऊपर हमला किया उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि एक साधारण से बंदे पे जिसको 6 से 7 बंदों ने मिलकर मारा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि कुछ तो ऐसे बंदों को यहाँ शर्म आनी चाहिए थी कि एक बंदे के ऊपर इतने बंदों ने अटैक किया है। बाकी कोई नहीं, जो जो हमारा कानून है, हमारा प्रशासन है, हमें उस पर पूरा भरोसा है और पुलिस वालों ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करेंगे। और अभी मैं इस केस के साथ पूरा जुड़ा हुआ हूँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ ही जो भी होगा जहाँ भी ये मुझे बुलाएंगे वहाँ पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ और हम जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे।